आज मैं आपको 12th OCM का इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बताने वाला हूँ। आज मैं आपको जो डिस्टिंग्विश बिटवीन बताऊंगा यह आपके बोर्ड एग्जाम में 101% इसी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपको पूछे जाएंगे। टोटल आपको 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ 10 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करने रहते हैं और आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन अटेम्प्ट करने का आपको 4 मार्क्स मिलता है और आपको कम से कम एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में 5 से 6 पॉइंट आपको लिखने रहते हैं। तो अभी आज हम डिटेल में इसके बारे में आज हम समझने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। टोटल मैंने यहाँ पर 13 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखे हैं, इन्हीं 13 में से कोई 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन आएंगे और वह 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने। फर्स्ट है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, सेकेंड कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, थर्ड स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, एंड 5 लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, 6 लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, 7 मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, जो 8वां है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, फिर जो 9वां है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, 10th BPO एंड KPO, फिर 11th ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, फिर 12वां है डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन, फिर जो लास्ट है नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन। तो फ्रेंड आज मैंने बताया कि आप ये सब 13 जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपको इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। आपको अच्छे से इसका कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपको अच्छे से इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको समझ लेना है क्योंकि इन्हीं 13 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 पूछे जाएंगे। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 101% इसी में से 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको दिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, आप अच्छे से इसके पॉइंट को आप रिमेम्बर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड ओके बाय।